हाँ भगत जी, बोलिए। आप बुक बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? स्पीकर हाँ भगत बनाना। जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। भगत जी, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जो ये पंथ चल रहा है ना, ये हाँ, कौन सा पंथ चल रहा है? मतलब, तेरवा पंथ है ये तो। नहीं, अच्छा एक मिनट, 13 पंथ है तो ये जो गरीबदास गरीबदास जी 12वें पंथ में थे या 13वें पंथ में थे? जी 12वें पंथ में थे साहब। अच्छा, तो फिर ये 13वां पंथ है जो, मतलब गलत है या सही है? गलत कैसी है? सही है ये तो, तो मतलब, क्योंकि क्योंकि कबीर साहब ने पहले ही कह दिया, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूलिया जाए न जीव ठिकाना। द्वादश पंथ नाम जो लेई, हमरे मुख में आन समोई। या सब तो संत रामपाल जी महाराज भी बोल रहे हैं। रामपाल जी महाराज के बोलेंगे यार, लिखी हुई है। पहले सुन बोल बंद, कोई भी बोल सके, तो नितिन जी भी बोल सके जी, रामपाल जी बोल सके जी, कोई भी गुरु बोल सके, लेकिन लिखी हुई तो पहले सूचना वा ऑलरेडी। लिखी हुई तो पहले सोच है, हाँ, तो थे भी बोल रहे, तो मैं भी बोल रही हूँ, सुन तो बोल बंद। नहीं खेवा को मतलब या जब भगत जी मार, भगत जी एक मिनट फोन मारे, एक जना नहीं बोल रहे मार, खेवा को मतलब या जब भगत जी आवाज से जो पूछो कि आप, ते रामपाल जी महाराज से कुछ से जुड़िया छो। नहीं वो तो बात से पता लग गया। तो अच्छा आपने जय मान लियो कि, अब जय मान लियो कि सच्चा सतगुरु कौन से, मन तो जना सच्चा गुरु की और मतलब मन तो मोक्ष कराना जी, बहुत सागर से पार हो बिल बिल्कुल सही बात है। और देखो, बिना पक्षपात किया हूँ यहाँ आपा ना चने, जो इन चीज पर विवेक करना चाहिए खबा को। मतलब संत कोई भी बुरो कोने, ज्ञान कोई भी बुरो कोने, थाने बताऊं मैं, क्योंकि संत ही होगा ना, वह कोई गलत ज्ञान तो दे कौन सकी, चाहे वह रामपाल जी महाराज हो चाहे नितिन साहब हो। लेकिन अब आपा ने निर्णय या करना चाहे, थाने बताऊं मैं, क्योंकि पवित्र ज्ञान ज्ञान और मूल ज्ञान दो ज्ञान छे। पवित्र ज्ञान में रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिद्ध हस्त संत चा, पारंगत संत चा, बहुत बढ़िया और अच्छा ज्ञान बताया जी। अच्छा उम खड़े कोई कमी कोन रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, थाने बताऊं मैं। लेकिन वहां को कहते कि पवित्र ज्ञान छ। अब रही मूल ज्ञान, मूल ज्ञान की बात थाने बताऊं मैं। तो मूल ज्ञान में कहते है, मूल ज्ञान में ना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान तुम गुप्त करी राखो। तो मूल ज्ञान जो छ ना भगत जी, बात है सार शब्द को ज्ञान, थाने बताऊं। अच्छा और सार शब्द छ जो, वह सार शब्द छे रामपाल जी महाराज तीन उपनामा को प्रोसेस देती है, और दास भी तीनों नाम प्राप्त चखेबा को, मतलब सार नाम तक भी। तो वह जो तीनों नाम छे, वह 52 वर्णी नाम छे। 52 वर्णी नाम छे तो नाम वह या कौन करे गलत छे, नाम बिल्कुल सही छे वह। लेकिन वह नामा ने जिया आप प्रैक्टिकल और थ्योरी, जिया प्रैक्टिकल जो आप प्रैक्टिकल का आधार पर करांगे, जो थ्योरी होगी आपने कहीं लिखी हुई पहले उसके बाबा, मतलब तो थ्योरी नाम तो ठीक थी वहां का, लेकिन प्रैक्टिकली नाम जब सार शब्द की बात आओ ना, तो 52 अक्षरां से परे हो जाए वह चीज, थाना बताऊ मैं। वह अच्छा लिखवा पढ़वा में और ऊँ का अंदर को नहीं, वह कह रहे थे नानक देव जी भी कह रहे थे कि वेद कतेब सिमरत सब सांसत, हिंद पढ़िया मुक्त न होई, और एक कई गुरु मुखे जो जापत इसकी निर्मल सोई। यानी फिर उमे भी वह कह रहे थे कि तेरो एक नाम तारे संसार, यही आसो यही आधार। फिर दूसरा में भी कह रहे थे कि जय तू पंडित पढ़िया, बिन अक्षर दुई नावा, बिन अक्षर बिन अक्षरा को नाम समझ ठीक है भगो, मतलब दुई नावा हाँ प्रणवत नानक एक लंगाई जाकर सच्चे समावा। तो मंडी जो बात हो रही छे, सार शब्द छे जो था ना बताऊ मैं, थोड़ी मॉडल देर के लिए थे भूल जाओ कि भाई नितिन बात नितिन साहब बता रहे जी ना, थोड़ी देर के लिए, या भूल जाओ कि कोई और गुरु बता रही है, लेकिन कबीर साहब की जो सब कबीर ग्रंथावली, कबीर बीजक, और जो सार शब्द की महिमा जो ग्रंथ गा रहे थी ना, गरीबदास जी महाराज जी संध्या आरती में गा रहे थे, गरीब ज्ञान अमान अडोल अबोल है, हाँ सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिलिया नस्तान रुपया छुड़ानी। यानी गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान ने क्या बता रहे थे, ज्ञान अमान, अमान यानी मान बा मई कौन है, अमान अडोल, डोल बा मई कौन है, अबोल, बोल बा मई कौन है, गरीब ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी, कि सतगुरु ने मेरे को उसको शब्द सही थे जनवा दिया पिछड़वा दिया कह बाबू मतलब। और दास गरीब कबीर सतगुरु मिलिया आना स्थान रुपया छुड़ानी। फिर यही नित्य नियम बता रहे जी कि शब्द निवासी आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है, चंद सूरज ना पवन पानी, ना जा छाया धूप है। फिर रमता रमता राम साहिब अविगत अलह अलेख, यानी लिखवा में भी कौन हवा, अविगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटंब वादी, कुल का खाविंद एक है। फिर संध्या आरती में जाओ, संध्या आरती में के करिया जी,
गठई में गंगा, गठई में यमुना, गठई में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सार शब्द ने गरीबदास जी महाराज कड़ी बता रही जी गठ के अंदर अपने जी की तीसरी लाइन में नित्य नियमा पर रोजिना करें चाहता हूँ के लिख रहे जी कि स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है नर मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। ढूंढ फिर उमे संध्या आरती में जाओ, संध्या आरती में भी फिर शब्द की महिमा गा रहे जी गरीबदास जी महाराज के गा रहे जी उद बीज खानी भुगत प्रहानी समझ नहीं शब्द सही दानी, हम है शब्द शब्द हम माई हमसे भिन्न और कुछ नाई, शब्द है सर्व लोक में गाजे शब्द वजीर शब्द है राजे शब्द स्थावर जंगम जोगी दास गरीब शब्द रसे भोगी। अब कौन सा शब्द की बात कर रहे हैं यार, अपन ने थोड़ी देर के लिए या भूल जाओ कि आपा कोई दूसरा कोई भी गुरु का शिष्य था, अपन ज्ञान पर चर्चा करनी तो विवाद कुन करनु के बागो हाँ मतलब हाँ हाँ कि वह चाहे नितिन साहब हो चाहे संत रामपाल जी महाराज हो, लेकिन अपन ने उस शब्द की पहचान करनी चाहिए कि वह शब्द कौन सोचे के बागो मतलब सार शब्द। जी के लिए कबीर साहब भी कह दिया के कागद मसी छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, चार युगों का मातम मन मुख से कह दी बात, तो उनके लिए वह भी कह दिया। फिर यह जो वाणी च वर्तमान अड़ी मदन साहिब जी की जो वाणी च कि दुई अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे, इन संत मत प्रकाश वाग चार में राधा स्वामी वाला बिल्कुल मदन साहिब जी को नाम दे रही लिखा जी और रामपाल जी महाराज भी को रेफरेंस दिया जी। फिर वह गुरु नानक जी की वाणी भी न बताए लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में खड़ी को यह वाणी। दूसरी बात इन फिर उनकी कर एक मिनट, ये गुरु नानक हाँ साहब में कौन सी वाणी को ना? या दो अक्षर का भेद बतावे नानक देव जी की वाणी को ने यहाँ की जब मदन साहिब जी की वाणी जो था बताओ या चाहे यहाँ का 49 पेज पर चाहे और पुस्तक को नाम च सतनाम प्रकाश टीका, तो उनमें कहीं लिखे सतनाम नाम प्रकाश टीका में सतनाम प्रकाश की वाणी चाहे कि दो अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा जाओ। काव्य, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो फिर ये मैं तो ये दो अक्षर को मंत्र कौन सा सार सब दीजिए क्या? अब दो अक्षर की सुनो के अच्छा सुनो, दो अक्षर में तो रामपाल जी महाराज जो आपन ओम सोम जो बता दिया वह सतनाम हाँ सतनाम सही जो। जो रामपाल जी महाराज बताए जो आपने बताया ची या चे। लेकिन अब मैं था ने ओम जो छे ना ओम ओम को सत्संग गुरु जी का मुख से सुनिया वो तो के बता रहा ची कि ओम ने पंचाक्षरी मंत्र बताया जी खुद गुरु जी आपका मुंह से, पंचाक्षरी को मतलब? 5 अक्षर ची ओम में, आकार आय आकार उ उकार मैं नाद और बिंदु, ए उ मैं और नाद बिंदु यानी चंद्र बिंदु, हाँ तो पंचाक्षरी वो गया आकार उकार मकार नाद बिंदु से मिलर का नहीं ना पर्णवाक्षर भी बोली ची कारण पर्णवाक्षर के मध्य ये तीनों एक ओम जैसी ओमकारा की आरती में भी आवाज पर्णवाक्षर भी खींची ना ओमकार भी खींची, तो यह खुद 5 अक्षरों से मिलर बनी जो ओम थाने बताऊ। हाँ और फिर चलो ओम ने अब तर्क अंडे दीछी आप नाला भगत भी दीछी और गीता को एक श्लोक भी दे रही हो सिंह जगह कि ओम इति एकाक्षरम करतुम स्मरण व्याहरण ये प्रिया तित्यजन देहम सयाति परमाम गति, 8वां अध्याय में कि ओम इति एकाक्षरम करतुम स्मरण व्याहरण की ओम तो एक ही अक्षर को मंत्र चाहिए है ना इसका अंतिम श्वास तक स्मरण करता है मेरी वाली गति को प्राप्त हो जाता है अर्जुन, तो ओम जो ओम इति एकाक्षरम ओम ने एक अक्षर बोली गई हो चल जो तो मैं एक अक्षर बोल बाकू कारण भगत जी आज है कि ओम ने आपा कितना तरीका से लिख सका था, 3 तरीका से, एक तो लिखा था आपा प्रतीक रूप में जी आपा साथियों कौन लिखा जी ओम लिखा था ना आपा या हाँ 3 कर पाचन पूंछड़ी लगा रूप पर चंद्र बिंदु कर रहे ना, या इन अगर आप ये तरीका से लिखांगा तो लिखवा में एक अक्षर हो गोखा को मतलब यहाँ पर एक साथ लिख दिया उन्हें और हाँ मैं अक्षरा को प्रतीक पोन हो रही कि भाई मैं इतना अक्षर ची एक तो यात्री को एक ओम ओम मैं लिख दिया आपा, एक तीसरों को सही और शुद्ध जो रूप चने लिखवा को हिंदी में वाचा ओ और तीन आपा हिंदी वाला 1 2 3 बने की भाषा वाला कौन लिखा गणित ओ फिर वह हिंदी को तीन तीन का नीचे गुंडी लगा मैं हलंत ओम शुद्ध लिखो जाएगा या ओम। फिर अगर ओम मान लियो अक्षर से तो फिर दूसरा दोहा मैं कबीर साहब के बोल रहे जी कि सो हम शब्द हम जग में लाए सार शब्द हम गुप्त छिपाए, मुंडे तो शब्द ही बोल रहे चीं कि सोम सोम न परमात्मा सो सोम ने के बोल रहे जी शब्द ही बोल रहे जी ना परमात्मा, हाँ उंडे उंडे सोहम ना अक्षर थोड़ी बोल रहे जी,
तो ई वाणी को जो अर्थ था ना कि एक छुड़ावे एक लखावे, यानी 52 वर्णा ने छुड़ावे और नी अक्षर सार शब्द ने जो लखावे, ये जो बावन वा अक्षर गुरु ही या अपन इस सार शब्द को भी दे सके नहीं, मने 52 अक्षर, 52 अक्षर समझ में कौन आया? 52 अक्षर का माइन अपना जो स्वर व्यंजन छे ना वह 52 वर्ण में छे। स्वर व्यंजन को ना हिंदी का अपन लिखा सा जो वह 52 वर्ण में जी का मतलब लिखा पड़ी जी का मतलब कौन करिया लिखा पड़ी की है नहीं कहन सुनन की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी पड़ी बरात, मैं लिखवा पढ़वा की ना कहवा सुनवा की बात तो 52 वर्ण ना चने या 52 वर्ण सु जब आप पर वांगा जब नी अक्षर सार शब्द की जो धुन से अखंड धुन से जी के लिए कबीर सागर में भी खरिया छे कि सप्त अंड पर सोम साजे जहां पर सार शब्द धुन गाजे, तो वो सार शब्द ने जदि आप लग सका चा जदि उन्हें समझ सका चा जब ही 52 का प्रोसेस हुआ पा अलग होगा या 52 वर्णा में जब वह कह रहे थे ना जंत्र मंत्र सब झूठ है इनमें भरमो मत कोई सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो, या बीज की वाणी जगह कबीर साहब की, तो यह जंत्र मंत्र का और कृत्रिम जो कृत्रिम नाम तेरा जिव्या कथा वो नानक जी की भी वाणी से ना, तो यह कृत्रिम नामा सु इंसान कृत नामा सु परमात्मा प्राप्ति कौन हो सके खबर को मतलब। अच्छा उनकी एक साइंस है जिन रामपाल जी महाराज एक भजन गाया था नित्यानंद जी को तन ध्यान हुए तो और बात तेरा काम ना वे संतोष रणा लागर जी का लास्ट की लाइन के किया जी कि शब्द सैन सत गुरु की पिछाणी पाया अटल सुहागरे नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण भागरे, तो एक बार साइंस है वो मतलब ये सारो चवा वही सारा नापा वही सारा का आधार जब भक्ति करांगा और चलांगा तो अपन वो सार शब्द को ज्ञान हो कहवा को मतलब, और वो सार शब्द प्राप्त कर सका था सार शब्द वह चीज सब भगत जी जो देवा लेबा की चीज कौन से बिल्कुल ही वह सार शब्द था रखना अपना आप में ऑलरेडी चते भरपूर चौ सार शब्द सुन लेकिन ये संसार का बावन का मैं ये बोल रहा हूं सार शब्द कोई मंत्र है या कोई वस्तु है? नहीं 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 ये देखो नए मंत्र और नया वस्तु या अपन खुद को निज स्वरूप से खबा को मतलब निज नाम कि आप तीन गुण की भक्ति में भूल पड़ियो संसार कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, वन निज नाम सपनो अपन कहता है कि अब तक रटता हूँ या दूसरा का नाम रटता हूँ या अपन कई जन्म बीत का खबर को मतलब, लेकिन आपा खुद को नाम को न जान पाया जी वाणी ने रामपाल जी महाराज बोलिया भी छी के बोलिया था कि अनंत कोटि ब्रह्मा गई अनंत कोटि गई ईश और साहेब तेरी बंदगी से जीव भया जगदीश, यानी उम के करिया छी कि अनंत कोटि तो ब्रह्मा गई अनंत कोटि गई ईश और साहेब तेरी बंदगी से जीव भया जगदीश, ये जीव ही जगदीश बनेगा साहब। अच्छा आपने जीव ही जगदीश बना लो मतलब बिल्कुल यही बनेगा जीव शिव पीव जो तीन अवस्था जी ना वह जीव ही पीव अवस्था ने जब प्राप्त हो जाएगो तो आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर हो जाएगा केवल परम शब्द को खबा को मतलब आत्मा और परमात्मा शुद्ध चैतन्य मुक्त अवस्था चाहे जो हमेशा स्वतंत्र और अविनाशी जो स्वरूप च वह परमात्मा च है और आत्मा जो स्वरूप च जीव जो स्वरूप च वह बंधन में चखे बाबू मतलब बंधन से जब मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। नहीं तो फिर आपने जब मुक्त हो जाओगे तो आप ये लोक में रहो ना सतलोक में, सतलोक में जाऊंगा फिर अब जो सत्य लोक है ना सत्य लोक की जो कल्पना है सत्य लोक अर्थ च अविनाशी लोक जी को कदे विनाश को ना वखबा को मतलब, तब जब धर्मदास जी परमात्मा ने पूछ रहे थे कि ये सत्य लोक अनामी लोक अगम लोक अलख लोक परमात्मा सत्य लोक कोई सब कुछ आप बताते लेकिन इसके ऊपर के तीन लोकों की आप चर्चा कर रहे हो तो ये लोक क्या है, तो फिर उनके लिए बीजक की वाणी देखो था ना बताऊं कि लोक लोक अलोक शब्द है भाई जिन जाना तिन संशय जाई, लोक अलोक तो शब्द ही है सार शब्द ही है लोक अलोक शब्द है भाई जिन जाना तिन संशय जाई, जिसने इसको जान लिया उसके सारे संशय मिट गए। क्या कह रहे तो लोक अलोक शब्द है भाई लोक अलोक तो शब्द ही है और जिन जाना तिन संशय जाई, जिसने इसको जान लिया जिसने इसको समझ लिया उसके सब संशय खत्म हो गए। अभी मन नित्य नियम की केवाणी बोलियो तो गरीबदास जी की शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है शब्द मई निवास है परमात्मा को, और संध्या आरती में कह रहा जी की हम शब्द शब्द माई हमसे भी और कुछ नहीं शब्द स्वरूप ही राम शब्द, तो वो शब्द में खंड शब्द में जब श्रुति समझ आएगी ना अपनी श्रुति
सूरत फसी संसार में तासे पड़गी दूर, सूरत बांध स्थिर करो आटो पैरा जूर। बिल्कुल भगत जी, मैं ना मेरे को आप मतलब ये आपका बहुत सही सिस्टम लगा, लेकिन मार यह समझ में को ना रहे, अब आप ना मुक्ति पापा करिए, कोई गुरु से नाम लेनो पड़ लो या नाम जपनो पड़ लो कहीं। बिल्कुल देखो उनके लिए करनो पड़ेगो, यानी या कतई आप कौन कह सका, और कतई रामपाल जी महाराज के लिए भी आप या कौन बोल सका कि वहां को ज्ञान निरर्थक चोक जूं थोचो। लेकिन आप 12वीं पास कर लिया मान लियो, यानी 12वीं तक की पढ़ाई कर लिया, रामपाल जी महाराज पवित्र ज्ञान आपने 12वीं तक को बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन अब थे बी ए कर बोचाओ छो, लेकिन बी ए कर बा के लिए थे या कोचिंग नहीं, मैं तो 12वीं पास कर ली, जो बी ए पास होगी मेरी तो या उचित कौन है खबा को, मतलब उचित भी कौन कर बी ए करवा के लिए, तो कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा थाना बताऊं। लेकिन थारी 12वीं तक की पढ़ाई भी बेकार कौन है, 12वीं तक का गुरु भी थारे लिए बेकार कौन है, वह भी हमेशा वंदनीय ची पूजनीय ची अपने लिए, वहां को भी उतना ही आदर सत्कार करो जितना अगला गुरु को कॉलेज वालों को सम्मान कर रहे हैं। को मतलब कतई में पाखंड कौन है, कतई में मनाई कौन है, कतई कमाई कोई वहां की चीज कौन है, कि पूर्व गुरु के प्रति आप श्रद्धा भाव कौन रखा, आदर भाव कौन रखा। लेकिन आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहते कि वहां मास्टर की डिग्री भी चेंज हो जाए, नेट सेट पीएचडी पढ़ा मुझे कॉलेज में, वहां को पद भी बदल जाए, प्रोफेसर ऊंची हो वह अपन बी एम ए पीएचडी करवा मुझे। लेकिन 12वीं तक की जो पढ़ाई आप पढ़िया था वो बेस हुई, तो आप बी एम ए में पूछा खबा को मतलब, तो अगर आपने पूर्ण पढ़ाई पढ़नी चाहिए और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तो आगा का गुरु बढ़ा में भी कोई दोष को नखबा को मतलब। तो वह आगा गुरु कौन से वर्तमान में, मत या पूछ रहे भगत जी वर्तमान में छी आयड़ा छी नितिन साहब छी बिल्कुल आगा को ज्ञान बता रहे जी, बिल्कुल मदन साहिब। मदन साहिब तो मदन पंथ तो यहाँ का जो पहला गुरु था ना, पहला आचार्य मदन साहिब जी, जाने कबीर साहब मिलिया था, सार शब्द को वेद बताया था, चार वेद बता रखे जिना सतनाम प्रकाश की काम है, तो वह पहला गुरु का नाम सु मदन पंथ नाम से जिया, गरीबदास जी का नाम सु बारो पंथ गरीबदास पंथ से मतलब। वर्तमान गुरु छी जो इन टाइम में जो बैराग साहिब जी छी प्रतापगढ़ में, और यहाँ का शिष्य ही वहाँ का आदेश हूँ, और वहाँ का नामदान आदेश हूँ, प्रचार प्रसार और नामदान देवा को आदेश नितिन साहब जी ने मिल चुके खबा को मतलब। तो ये चीज बाबा ने कई चीज में प्रमाण मिला लोगे पुस्तक में, पुस्तक में कबीर सागर मचने बिल्कुल, कबीर सागर में छे, कबीर बीजक में छे। बीजक में भी मिलोगो, कबीर सागर में भी मिलोगो, कबीर ग्रंथावली में भी मिलोगो, जी में ढूंढोगे जी में अच्छा, मिल तो संत जाएगा। रामपाल जी महाराज को तो खाली पवित्र ज्ञान से 12वीं कक्षा तक, हाँ पवित्र ज्ञान बिल्कुल साफ तो संत पवित्र रामपाल ज्ञान जी है। महाराज सुनो एक मिनट, दो नाम दो नाम मिले थे, प्रथम नाम और सतनाम, तो यहाँ का जाप करना चाहिए कौन करना? अब देखो यहाँ का नाम के लिए थे सत्संग, अगर गुरु जी को सुने वो तो चार चाल बताया जी भक्ति की, एक तो मछली की चाल, एक चींटी की चाल, और मछली की चाल चींटी की चाल, पक्षी की और एक इनकी मकड़ी की मकड़तार है ना, और चौथी च विहंगम चाल था मतलब। अगर आपा डायरेक्ट सार शब्द की भक्ति कर बो चावा चाहे तो वह विहंगम चाल सु कर सका चाहे, या नीचे की स्टेप आना अपना बाकी कोई जरूरत को नहीं, जिया पक्षी पक्षी नीचे बैठे हो चाहे वो उड़ पेड़ पर बैठ वो चाहो चाहे, तो उन्हीं से उड़ कर वह सीधो पेड़ पर ही बैठोगे, उन्हें बीच में और जगह पर बैठने की जरूरत कौन पड़ेगी खबर को मतलब। और यह जो तीन चाल थी मकड़ी की चींटी की और मछली की, ऐ तीनों चालों से आदमी चढ़ागो पड़ागो चढ़ागो पड़ागो, लेकिन ऐ चाल के ची कि ऐ चाल आपा ने त्रिकुटी तक ही पहुंचाऊंगी खबर को मतलब। सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति तीनों चाल को न करा सके, क्यों अगंत कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है शब्द सुने हो, तो लास्ट में परमात्मा करे कि शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुरु तई तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड पिंड से पार वो देश हमारा है, करने नो दीदार मेल में प्यारा है। प्यारा तो शब्द विहंगम चाल, विहंगम चाल सु पक्षी की चाल सु केवल सार शब्द की सीधी डायरेक्ट भक्ति करी जा सकत, यहां कर बाकी कोई जरूरत कौन खबा को मतलब। अच्छा, हाँ तो डायरेक्ट ही सार शब्द की तो चली भगत जाए जी मैं था जो आमने सामने मिलो वो चाहूँ तो आप कद मिला भगत जी। है कड़े का चुते भगत जी अब ये भगत जी को फोन कर रहे हैं, नहीं भगत जी को क्या नाम चाहिए मतलब वो राम नाम सिंह जी। यहाँ का पड़ोस में रह रही, मान लो कि अगर मंडा सब आते हैं भगत जी चाय पी लो, जो चाय पी हाँ बाजार ये मनावा दे तो भगत जी भंडारो करो, एक ही दीवार से। हाँ राम सिंह जी का पड़ोसी जो बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी जो मैंने रहता है बाप दिन कमाया ये आया को आबो यो, और मैं कोई भगत ना फोन कर रही हूँ, तुम्हारी आवाज ने सुने और मार खाना आ गया। अच्छा। देखो भगत जी थाने बताऊं शुभ नाम के थारो, शुभ नाम तो भगत जी यहाँ तो राजू दास सर।
देखो राजू जी, हकीकत बताऊं मैं, वह किचन सब काम का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। आपा ने देखो बिना पक्षपात किया हूं यार, रामपाल जी महाराज भी कहता कि जब तक शब्द मिले नहीं साचा, जब तक गुरु करो दस पांचा। मेरा खुद का ही पांचवा गुरु जी नितिन साहिब जी, जी थाना बताऊ मैं, अच्छा निरंकारी में मैं रियो, फिर रामपाल जी महाराज का 12-13 वर्ष मैं ले रियो, बारह तेरह वर्ष रियो मैं, और जाओ ले फिर आओ। दो तीन गुरु और बनार, फिर लास्ट में ज्ञान नहीं, और अंडे देखो संतुष्टि हुई बिल्कुल ज्ञान की थाना बताऊ। तो जुड़ जाओ जयपुर आता है रिंची नितिन साहब, तो जुड़ो मासूम प्रथम नाम दीक्षा लियो, फिर दूसरो चाहे जो ध्यान भी दे लियो, और कर्ण देखो तारा सब संग का निवारण हो जाएगा। खबा को मुझे पहले तो देखो यूट्यूब पर सत्संग सुनो, मुको किताब ले ले एक राम सिंह जी का, और सत्संग सुनो यूट्यूब, सारा सारी संग का समाधान हो जाएगी थारी। हाँ सत्संग सुनो यूट्यूब पर पहले यहाँ का। भगत जी मथा से मिलो जाओ मारो गाय चलो अपना को काम जमा बताऊं जो अच्छा, काल सुधर गज में गाय 10-5 दिन थोड़ा बिजी जो चलो चलो तो आप जी का जयपुर जब आप होगा ना मैं बता दूंगा थाना, है ना, राम सिंह जी ने मुझे सूचना दे दूंगा, तो आपको मिल नाम लेंगे आपको, है बताइए ना, है आपको नाम रविदास से मेरा तो था कीरमा की सबकी एक राशि जी।